भाइयों क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार इस टाइम सुबह के 5:15 हैं दोस्तों, और अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले ही बारिश, इतनी तेज़ बारिश हुई है यार कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और देखते हैं यार कि क्या सूरत हाल हुई है। बाकी मैंने अभी यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर तो अभी सब बस थोड़ा थोड़ा पानी अंदर एवरी में आ गया, बाकी इनका पानी भी गंदा हो गया, दाना भी इनका ख़राब हो गया। और यहाँ पर इतना सारा देखें पानी खड़ा हुआ बस। तो यार यहाँ पे तो ठीक है, किसी मटकियों में पानी नहीं गया, तो ठीक है। आपको पता है कि हमने वहाँ पर सीमेंट लगा दी थी पिछले साल। तो रात को दोस्तों हमने कल वाली वीडियो में देखा ही वो कितनी तेज़ बारिश आंधी आ रही थी थोड़ी। तो बाकी यार ये अभी तो हमारी बिल्कुल ठीक है, तो ज़्यादा मसला हमें छत का है। और ये देखें नेट को देखें, सारी नेट भी गिरी है दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए यार छत पर चलते हैं और जाके देखते हैं। यार आपको पता है डायमंड हाउस ने अंडे दिए हैं, पिजन्स के बच्चे निकले हैं, चिक्स भी हमारे वहाँ पर। तो चलिए यार छत पर चलते हैं। तो मैं भी अभी आपके सामने जा रहा हूँ ऊपर, देखते हैं यार क्या सूरत हाल है। बाकी मौसम तो ज़बरदस्त हो गया। और ओए यार ये हमारा बल्ब था ना, ये चेक करें बल्ब का हाल। तो यार ये बल्ब गिर गया, बाकी सीट वगैरह हमने ढक दी थी। ओ तोता था यार, लपड़ गया अभी अभी है ना, इधर से गया भी उड़ता हुआ। तो यार खैर किसी का उड़ गया होगा। तो यार ये देखें, बाकी वैसे हमने छत की सफाई की भी थी लेकिन इतना गंद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है ना अभी। और यहाँ पे आ गया है पानी, यहाँ से हटी सिर्फ शीट हटी है ऊपर। तो यार हमारे रैबिट्स देखें कैसे। अच्छा यार हमने शाम के टाइम ना दोस्तों यहाँ पे शीट लगा दी थी कुछ इस तरीके से। हाँ अल भी है देखें, यहाँ पे हमने बस एक ही ईंट रखी थी, हवा की वजह से हट गई और इधर से पानी आया अंदर है ना, इधर वाली साइड से आया, उधर से थोड़े थोड़े छींटे आए हैं, वो साइड बची। डायमंड अब बच गई अल्लाह का शुक्र है यार, है ना। और हमारे पिजन्स भी बच गए ना, खरगोश का नस्ल बच गया, वो चले गए अंदर। वो देखें दोस्तों हमारे रैबिट्स अंदर जा चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह हमारे रैबिट जो हैं वो अंदर जा चुके हैं। और इस टाइम हमारे ये मुर्गे भी अजान दे रहे हैं, चिक्स थोड़े सुस्त से हुए हैं लेकिन जब धूप निकलेगी। और ये इनको चेक करें मस्ती हैं, सुबह का टाइम है कैसे बाहर निकले हुए सारे के सारे। और वो रहा माशाल्लाह, हाँ वो देखो वो हिल रहा है वहाँ पे से, देखें फ्लैश लाइट बंद कर दो। ये देखें ये देखें देखे जाके इनको खोल भी देते हैं ना, खोल दो इनको मज़ा आएगा सुबह सुबह उड़ने में ना। लेकिन अब इतनी दोस्तों हवा नहीं है, अगर ये उड़ भी जाएंगे ना मतलब कि आ जाएंगे ये। रात के टाइम तो भाई फुल मतलब आ सकते हैं, आंधी आ रही थी, इस टाइम हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलें यार अलवी ये पकड़े। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नहीं तो इतनी ठंड हो रही है, मेरे मुँह से भी नहीं बोला जा रहा। तो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो लास्ट तक देखिए, अभी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो देखो इधर आओ, इधर आओ, एक छिलका ये इसके घोंसले में ही पड़ा हुआ है। इसका भी तो नहीं निकला, दोनों निकला यार। नहीं नहीं यार ये मैंने कल को रखा तो था यहाँ। अच्छा चेक कर लो क्या पता निकला है वो। यार ये देखिए सारी लकड़ी गीली हुई है। ओए माशाल्लाह निकल गया यार, अभी नहीं यार डरा नहीं निकला इसके। तो यार अभी तो क्रैक शैक भी नहीं आया, उन्हें नहीं आ गया क्रैक माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह। तो यार काफ़ी भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आप एक्सपेरिमेंट वो लाजमी कीजिएगा, ये ना हो कि आपका डब भाई भी मर जाए। तो इंशाल्लाह दोस्तों इसका अगर आज बच्चा निकल आया तो आज ही हम उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। और तो डायमंड रिंगनेक डब को हम इंशाल्लाह अपनी इस बार ही सेटअप पे शिफ्ट कर देंगे, बहुत मज़ा आएगा यार। तो बाकी देखना ही पड़ेगा, ये ना हो कि रिंगनेक डब उनके नेस्ट में जाके अल्फे मारे, तो फिर उन्हें अंडे दिए हैं। तो इनका बच्चा देख लेते हैं यार, और माशाल्लाह से अभी दूसरा नहीं आया, नहीं आया। ये देखो अभी दूसरा बेबी नहीं आया, अभी एक ही है, अभी अंडा पड़ा हुआ है। और माशाल्लाह से इसका भी आज
पचा जाएगा माशाल्लाह से। तो यार ये वाला सिस्टम तो ठीक है, मुझे इसी की टेंशन हो रही थी। और बाकी हमने शीट वगैरह लगा दी थी अच्छी तरीके से, बस यहाँ से थोड़ी सी शीट हटी है और ये पानी अंदर आया है। हमने एक जो ईंट रखी थी वो हट गई मुझे लग रहा, और वो काम हो गया। लेकिन यार अल्लाह का शुक्र है, नुकसान कोई नहीं हुआ हमारा। तो चले अलवी पकड़े, मैं अपने पिजन को चले दोस्तों बाहर निकाल देता हूँ। यार इधर का तो हमने देखा ही नहीं है, इधर क्या सोचने वाला है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा यार, है ना, खुश पड़ी है यहाँ से तो। ट्रिपल शीट एंड आई भाई यार, मजबूती के साथ। हाँ जी, ताकि एक दफा इधर पे चार्ज कर लेते हैं। नहीं यार सूखी हुई है सारी मिट्टी दोस्तों। नहीं गया वो, मौसम देखे दोस्तों कितना जबरदस्त हुआ है। और ये देखिएगा आज मौसम थोड़ा अच्छा है, ये मुझे लगता है आज लंबी लंबी फ्लाई करेंगे ये, क्योंकि आज ठंडा मौसम है, ठंड सी हो रही है। यार हमारा जंगली नहीं उड़ा दोस्तों, जंगली उड़े उसके साथ शराजी मेल उड़े, वो भी पक्का हो चुका है ना, वो उधर जाल से भी ऊपर वापस आ चुका है। ये दो बस उड़ जाए मज़ा आ जाए। कितना अभी खोल ले ये फटाफट दीवारों चढ़ गया साथ ही। तो यार शुक्र है, बाकी दोस्तों हमारा नुकसान वगैरह अभी कोई नहीं हुआ, लगा शुक्र है। तो चले यार अपनी डायमंड के दोस्तों दाना डाल देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं डायमंड हमारी कैसे नीचे घूम रही है, और उनके पास दाना नहीं है, पानी भी उन्हें चले डाल देते हैं। चले मैं उसके अंदर जाता हूँ और फिर उन्हें दाना डाल देते हैं। वो देखो बिल्ली, वो कबूतरों को देख रही, कबूतरों को देख रही, बट्टा मारो बट्टा मारो, कबूतरों को देख रही। नहीं नहीं वो इधर ही देख रही है, ये चील को पकड़ नहीं कर रही है, देख लियो देखो वहीं आ रही, वहीं आ रही, वहीं आ रही है, वहीं आ रही है, इसको पकाओ। ये ना इनको कबूतरों को यहाँ से उड़ा दो, ये पीछे से भी आ सकती है। पकाओ पकाओ पकाओ, ये ध्यान रखो वो पीछे से आ सकती है ये। हाँ वहाँ चलिए, ध्यान रखो याद, कबूतर को यहाँ से उड़ा दो। नहीं मैं छत पे दोस्तों ये चेक करें, ये जो पेयर है जिसका भी बच्चा पूरी तरीके से बाहर भी नहीं आया, ये दोबारा अंडो पे आ गया। ये ऐसे पिजन की ब्रीडिंग सही है ना, बच्चा निकलता ही साथ ही दोबारा अंडे। हमारे पिजन चार छत के ऊपर बैठे हैं और यहीं पे घूम रहे हैं। बेबी पिजन, बेबी पिजन है ना, निकल गया आया जी, वो इतना ऊंचा निकल गया, आज तो दूसरा जुड़ गया, आ गया वापस। बैठ गए तो दोस्तों चले यार अंदर चलते हैं, और हमारा रैबिट जो है वो देखें अंदर बैठा हुआ है। और चले इनको दाना वगैरह डाल के आते हैं, पानी भी डाल के। ये अंदर की जो फालतू की चीज़ ये भी निकाल दो ना, पट्टे हो। हाँ ये निकाल दो, साफ हो। अच्छा सफाई होगी वैसे अंदर की जब रैबिट से अंदर गंद मचाया हुआ था। दोस्तों अभी मैंने गौर किया है, वो एक खंभे पे कबूतर आके बैठा है, ये शायद ऊपर छोटा सा आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि अभी तो देखे किसी ने भी कबूतर नहीं खोले हुए, अभी तो दिन निकलना स्टार्ट हुआ है, पता नहीं किसका आगे बैठा है। अब पता नहीं उसे इतनी दूर से यहाँ नज़र आएगा कि नहीं। ये हमारे बस बेबी पिजन बैठे हैं, ये सारे पिजन खुले हुए हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये उड़ गया दोस्तों, ये देखें ये उड़ गया, ये जा रहा, ये अपने उड़ रहे हैं बेबी पिजन। वो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, वो उतर रहा उतर रहा, ये रहा ये रहा, अपने उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं, ये बेबी पिजन उड़ रहे हैं। आ, 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 आ। वो निकल गया आगे, निकल गया, वो पीछे से घूम के आ रहा लग रहा, वो आ रहा है वापस, आ रहा है वापस, आ रहा है, अपने भी उड़ गए यहाँ पे सारे बैठ गए, आ रहा है ना वो आ रहा है। ये रहा उधर को निकल गया, नज़र नहीं आ रहा यहाँ से, यहाँ से हो सकता है, वो कितना करीब आ गया था यार। और
उधर को कहीं निकल गया वो, पता नहीं वहीं कहीं जाके बैठ गया लग रहा, नज़र नहीं आ रहा वो। तो उसमें दोबारा आ गया, ये देखें ये रहा। एक मिनट इधर को तो आए, ऊपरली साइड भी घूम रहा है वो, निकल गया आगे को फिर। तो खैर यार वो निकल गया कहीं पीछे कोई, वो पता नहीं भटकता फिर रहा किसी का। बच्चा तो नहीं लग रहा था वो, वो पीछे कोई निकल गया कहीं, वो टैंकी के पीछे निकल गया होगा किसी भी तरह से। तो चले यार आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।